हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं दो भागों में बनाने वाली हूँ और इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में डालने वाली हूँ। सो प्लीज़ आगे इसको स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं भी नाइट शिफ्ट करती थी और मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। देर आर सम टेस्ट विच यू हैव टू डू, उन टेस्ट के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बॉडी को इंटरनली कैसे ठीक करें, जिसकी वजह से आप जो है हेयर फॉल को या हेयर रीग्रोथ को कर सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। मैं और यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोलूँगी कि आपको दो दिन में इसका इफ़ेक्ट मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच के ये वीडियो देख रहे हैं तो मत देखिए, कोई बात नहीं है। पर अगर आप सच में इलाज चाहते हैं और अपने हेयर फॉल का और अगर हेयर रीग्रोथ ढूंढ रहे हैं तो आप ये वीडियो देखिए। ये टाइम टेकिंग है पर इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे खुद के बाल बहुत झड़ रहे थे जो कि अब काफ़ी ठीक है, मुझे अब हेयर फॉल का कोई इशू नहीं है और इवन मेरा हेयर रीग्रोथ हुआ है। स्टार्टिंग से हम बात करेंगे कि लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कारण क्या है हेयर फॉल के पीछे, और जो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर विच वी कैन टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। मैं आपसे बात करने वाली हूँ कारणों के बारे में कि क्यों हेयर फॉल हो रहा है और क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है बॉडी में तो उसके लिए टेस्ट कराइएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है, जो क्या डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में जो कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, और हम उसे उसी हिसाब से क्योर कर लेंगे। वॉइस द वीडियो नाउ। पार्ट में मैं बताऊंगी कि हेयर फॉल और हेयर का जो सर्कल है वो क्या होता है, इसको पूरी तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है, इसीलिए ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा भी होगा, पर आपको ये बहुत ही यूज़फुल लगेगा, इसकी गारंटी मैं खुद ले रही हूँ। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझ पे और हम इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। डायरेक्ट मैं बात करती हूँ कि आखिर ये बीमारी या मैं बोलूँगी कि हेयर फॉल का जो ये इतना प्रॉब्लम है ये क्यों हो रहा है आजकल। सो इसके लिए देखिए, मैंने बहुत रिसर्च करी है और अपना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है कुछ साइट से। सो एक्चुअली जो हेयर फॉल है आजकल 10 में से 8 लोगों को 9 लोगों को होता ही है। ये बहुत ही कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके रोज़ 50 से 100 या 0 से 50 बाल या झड़ते हैं तो वो एक कॉमन चीज़ है, जो कि झड़ना ही है, क्योंकि जो हेयर सर्कल है वो ऐसे इसी तरीके से चलता है कि पहले हेयर ग्रो होता है, फिर थोड़ा मैच्योर होता है और उसके बाद झड़ता है, फिर झड़ने के बाद वो वापस नए बाल उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो झड़ने का जो प्रोसेस है उसी के थ्रू ये जो 50 बाल या जो रोज़ के हमारे 100 बाल झड़ते हैं वो झड़ते हैं, उसके लिए हमको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पर जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है, और लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से कई लोग हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, जिस वजह से उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, या कई लोग हैं जो आजकल जो महिलाएं हैं या औरतें हैं वो भी अब काम करती है। पहले जैसा अभी बिल्कुल भी एनवायरनमेंट नहीं है, जहां पहले सिर्फ औरतें घर संभालती थी, आज वो कॉरपोरेट में हैं या ऑफिसेज में हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, काम कर रही हैं। सो उनका लाइफस्टाइल इतना चेंज हुआ है कि उनको घर भी संभालना होता है और बाहर भी देखना होता है, जिसकी वजह से औरतों में भी अब हेयर फॉल का जो या गंजेपन का मैं बोलूँ तो ये जो चीज़ आने लगी है ये काफ़ी ज़्यादा अब और दिखने लगी है लोगों में, और उन लोगों को बहुत ही ये जो प्रॉब्लम है फेस करना पड़ता है। हम नए शैम्पूज़ यूज़ करते हैं महंगे से महंगा, क्योंकि आजकल सब लोगों का लगता है कि इनकम बहुत बढ़ गया है, तो हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, पर एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम है हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, यानी कि हम अच्छा खा नहीं रहे हैं या हमारे शरीर में कोई डिफिशियंसी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसको पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो रीज़न है मेरे पास वो है हेरिडिटरी, यानी कि आनुवांशिकता, जहां आपके परिवार में अगर ये चीज़ चलती आ रही है गंजेपन का या हेयर फॉल का, तो वो आपके साथ भी हो सकता है। सो हेरिडिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न
कि अगर आपकी मम्मी के या आपके पापा के या आपके घर में किसी के भी बाल अगर कम हैं, ये झड़ते हैं या वो गंजेपन के शिकार हुए हैं, सो ये चीज़ आपके साथ भी आ सकती है. हमारे पास ये पहला कारण है. दूसरा कारण है PCOD या PCOS. ये हार्मोनिकल इम्बैलेंस बोलते हैं इसको. जब हार्मोन्स आपके टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, अगर वो आपके बॉडी में ज़्यादा या कम हो जाता है, तो इस वजह से भी आपका वेट भी बढ़ सकता है और आप में हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी आ सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास हाई मेडिकेशन, यानी कि अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है या किसी वजह से आप मेडिसिंस ज़्यादा लेते हैं या मेडिसिंस रेगुलरली ले रहे हैं, तो उन मेडिसिंस का भी हमारी बॉडी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है. ये वो केमिकल ही होती हैं, और अगर आपकी बॉडी केमिकल बहुत ज़्यादा ले रही है तो वो एक अलग तरीके से भी उसको रिएक्शन देगी. अगर रिएक्शन मिलेगा तो हो सकता है कि आपके बाल झड़े या आपका मोटापा बढ़े, कुछ भी जो केमिकल का रिएक्शन है आपकी बॉडी वो दिखा सकती है. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के आपके जो हेयर फॉल हैं वो. नेक्स्ट वी हैव ट्रॉमा या स्ट्रेस. आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि स्ट्रेस को डिफ़ाइन करने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है. जो बहुएँ हैं वो सास से परेशान है, सास है तो बहू से परेशान है, पति है तो दोनों से परेशान है, प्राइवेट जॉब में है तो बॉस से परेशान है. हर किसी को किसी ना तरीके का ना स्ट्रेस हो ही रखा है, और उस वजह से भी बाल झड़ते हैं. क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है तो एक तरह का हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है बॉडी में, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है. मैं उस हार्मोन का नाम अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं ज़रूर से यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि वो हार्मोन क्या है. जो मेरे पास दूसरा कारण है हेयर फॉल होने का, वो है हाइपोथायराइडिज्म, जहाँ पे जो थायराइड हार्मोन है वो आपकी बॉडी में जो है वो कम सीक्रेट होता है, और जिस वजह से आपके जो, मैं यहाँ पे आपको पढ़ देती हूँ कि यहाँ ये लिखा है कि इसे अंडर एक्टिव थायराइड भी बोलते हैं, जो हाइपरथायराइडिज्म है उसको, और शरीर के उचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बनता है, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है. अब मैं बात कर लेती हूँ हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, जो कि है बिल्कुल इसका अपोजिट है, जहाँ पे ये थायराइड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में बनता है और इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है. नेक्स्ट है हमारे पास आयरन डिफिशेंसी. अब जो आयरन है ये क्या है, हमारे जो आयरन की कमी से बॉडी में फॉलिकल्स सहित कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं पर्याप्त नहीं होती हैं. अब इतना टेक्निकल चीज़ मैंने बोल दिया है, क्योंकि मुझे ये वैसे के वैसे ही वेबसाइट पे था तो मैंने उतार लिया, पर इसका मतलब ये है कि जो हमारे ब्लड सेल्स है उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स में न्यूट्रिशंस नहीं पहुँच पाते और हमारे जो है हेयर फॉल होता है. नाउ हमारे पास हेयर थिनिंग एक अलग प्रॉब्लम है. हमारे पास जिंक डिफिशेंसी भी होता है, जिसकी वजह से जो है हेयर फॉल होता है. विटामिन डी की डिफिशेंसी एंड प्रोटीन, सो विटामिन B12 की डिफिशेंसी की वजह से ना केवल हमें हेयर लॉस हो सकता है, बल्कि लो एनर्जी होती है या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो सकती है हमें समझने में, या हमारी स्किन जो है वो हेल्दी नहीं रहती है, ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं रहता है. मैं विटामिन डी की बात करूं तो थकान सी महसूस होती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, एपेटाइट लॉस हो सकता है. सो अपार्ट फ्रॉम हेयर लॉस देयर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेस विच यू कैन अट्रैक्ट इन द डेफिशिएंसी ऑफ दीज विटामिन्स. मैं बात करती हूँ अब कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है. रिकवरी जो होती है इंजरी की वो मुश्किल हो सकती है, या आपको हेयर लॉस तो रहता ही है, साथ के साथ में आपको ब्लोटिंग हो सकती है, टायर्डनेस फील हो सकती है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए जब इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशंस. यहाँ तक कि हेयर लॉस का जो मेन रीज़न होता है, कभी कभी होता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी भी काफ़ी जब ब्लड लॉस हो जाता है फीमेल्स को, तब भी हेयर लॉस बहुत होता है. फीडिंग मदर्स को भी हेयर लॉस बहुत होता है, क्योंकि उनका सारा न्यूट्रिशन जो है वो बेबी को चला जाता है. तो ये एक बहुत ही मेजर
टाइम होता है हेयर लॉस का, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन और हेल्थ वाइज आप अच्छे अच्छे फूड लेते हो और आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं, पर जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी यू कैन सी द डिफरेंस कि वो बाल एकदम से टूटने लग जाते हैं और वजह सिर्फ हमारी न्यूट्रिशन के लॉस ही होता है। सो कई बार होता है कि एक इंसान जब दूसरी जगह जाता है, पानी चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तब भी हेयर लॉस होता है। सो यही सब को ध्यान में रखते हुए हम रेमेडीज़ देखें, पर आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो बालों के झड़ने का जो मेन रीज़न है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि DHT जो है वो हेयर फॉलिकल्स पे आ जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलते। नाउ व्हाट इज़ DHT? DHT जो है ये हम मैंने जो भी आपको ये मेंशन किया है कि प्रोटीन की कमी है, विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारे पास एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं हेयर फॉल के लिए, पर जो एक्चुअल होता ये है, जो टेक्निकल बात है कि DHT आता है आपके हेयर फॉलिकल्स पे। DHT इज़ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये जो है ये वो चीज़ है कि शरीर में जहाँ सबसे कम ब्लड सर्कुलेशन होता है DHT वहाँ जा कर के चिपक जाता है और जो न्यूट्रिशन है वो हेयर फॉलिकल्स में नहीं जाने देता, क्योंकि हमारे हेड पे सबसे कम ब्लड सर्कुलेट होता है, इस वजह से DHT जो है वो सबसे पहले हमारे हेयर फॉलिकल्स में ही जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिलते, बाल थिन होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं और धीरे धीरे गिर जाते हैं और रीग्रोथ का तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर ज़मीन में आप खाद नहीं डालोगे, उसको मिट्टी को उपजाऊ नहीं रखोगे, अगर वो ही नहीं है तो फिर पेड़ कैसे होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सो आखिर हम इसके लिए करें क्या, DHT को कैसे अवॉइड करें? कुछ लोग बोलते हैं कि DHT जो है वो सेक्स के दौरान जो आप फिज़िकल इंटरकोर्स करते हो तब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनता है, और या फिर ये जो फीमेल और मेल हार्मोन्स होते हैं उनके इम्बैलेंस की वजह से भी जो है शरीर में बनता है। सो हम इन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और आपको क्या चीज़ों को यूज़ में लेना चाहिए, इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। पर आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, सो आप अगर जॉब नहीं छोड़ सकते, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जॉब छोड़ दीजिए, पर अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और हेयर्स जो है हमारे पर्सनालिटी में हम काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेजर रोल रखते हैं। सो इसी के साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन अभी मिस हो गई है वो मैं एडिटिंग के दौरान टेक्स्ट में डाल दूँगी। सो आप प्लीज़ वो टेक्स्ट भी नीचे से पढ़ लीजिए। और साथ के साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो इतनी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये मेरी खुद की ट्राई की हुई है। इवन आई वाज वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट एंड आई हैड अ हेयर फॉल इशू, पर उन सब चीज़ों को यूज़ करके मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया है।